Welcome once again to a new video by Fashion Exposed TV, and you are watching your youth and entertainment channel Fashion Exposed, and I am your host and dost aapka Harshit Dhingon. Aur yes, hum aaj baat karne wale hain, जब भी आपको अगर कभी भी भूख लगती है तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, अगर आप घर बैठे बैठे खाना चाहते हो तो यस, आपके माइंड में आएगा ऑनलाइन ऐप Zomato या इसी तरह के और भी ऐप. लेकिन अगर यही Zomato डिलीवरी करने वाला जो ऐप है, अगर यही आपको अगर झूठा खाना या लेफ्ट ओवर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अगर वो आपको देने लग जाए तो कैसा लगेगा? यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अब आप देखिए आखिर ऐसा हुआ तो हुआ है, और कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है. जस्ट वॉच दिस वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल हुआ पड़ा है, जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं जो भी Zomato यूजर्स हैं, एंड Zomato का भी इसमें जवाब आया है. उससे पहले आप देखिए ये वीडियो. इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डिलीवरी बॉय पहले तो चेक करता है खाना क्या है, फिर उसके बाद चम्मच निकालता है और फिर बस खुद ही शुरू हो जाता है अपनी भूख मिटाना. एंड भूख मिटाने के बाद वो जो बचा कुचा होता है दोबारा से वैसे का वैसा पैक करता है, एंड उसको डिलीवरी के लिए बिल्कुल स्टील पैक की तरह बिल्कुल रेडी करके दोबारा से रख देता है. तो अगर आप खुद सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो और ये डिलीवरी बॉय जो खाना खा रहा है, अगर ये आप ही का खाना हो तो कैसा लगेगा? जी हाँ, तो यही बात है बहुत ही निराली, और इस बात पे Zomato ने भी अपना आंसर दिया. Zomato ने डायरेक्टली उस एक ब्लॉग रिलीज किया जो कि बाद में न्यूज़ में आया, और हम आप देख सकते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है. Zomato fires delivery man for tampering, food pack stirs up debate on social media. While some argued about their long working hours and not enough time to have a proper meal, other question if they could afford 2 square meals a day. So now you can see कि ये जो पूरा का पूरा हमने जो आपने इंसिडेंट देखा है उस पर Zomato का भी रिप्लाई आया है. Zomato ने कहा है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato डिसीजन टू सैक द डिलीवरी गाय हु कॉट ऑन द कैमरा ईटिंग फ्रॉम द पार्सल फूड बॉक्सेज हैज सेट ऑफ अ ह्यूज डिबेट ऑन सोशल मीडिया. The video of the incident went viral. The company's decision to fire the employee did not make everyone happy and many sympathized. कहीं ना कहीं हम कहें तो Zomato ने जो फायर किया है उस एम्प्लॉय को, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज उस बेचारे ने भी कहीं ना कहीं खाना नहीं खाया था. अगर आपको भी खाने को ना मिले तो इंसान का माइंड भी नहीं चलता है, ना ही उसको अपने कुछ भी सोच रहती है. तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे Zomato ने डायरेक्टली कहा है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है इस चीज़ में, और उन्होंने डायरेक्टली फायर किया. उन्होंने कहा कि टेम्परिंग केस होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं, एंड ऐसे केसेस को हमें इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए. लेकिन आपका इस पर क्या कहना है आप बताइए, और Zomato को इसमें क्या करना चाहिए आप अपने सुझाव, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं.
मिलेंगे हम अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले तो शेयर करिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आप चाहें शेयर करिए। एंड सेकेंडली, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फैशन एक्सपोज, दिस इज योर ऑनलाइन यूथ एंड एंटरटेनमेंट चैनल। दिस इज योर होस्ट विजय हर्षित साइनिंग ऑफ। सी यू, टेक केयर।